Good morning, all of you. I hope you all are fine. Now, today I am going to continue my last topic, seesaw. Now, today I hope you saw my last video in which I explained this poem seesaw, and I tried the question answer. Okay? So, last video में मैंने आपको इस chapter को explain भी किया था. क्वेश्चन आंसर भी मैं इस चैप्टर से लिखवा चुकी हूँ और आज मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज करवाऊंगी. तो आई होप आप सभी लोग बुक ओपन करके बैठे हो. नाउ एवरीवन ओपन पेज नंबर 34 सी सॉ एंड सो मी. फर्स्टली यू सो मी ओपन पेज नंबर 34 एंड योर मैरी गोल्ड बुक. फटाफट. अरे वेरी गुड वेरी गुड. यस ओके. जल्दी जल्दी मुझे सो करिए तो फिर मैं आज आगे बढ़े. वेरी गुड तनिष्का. गुड सानवी एंड मोर. अर्श दिखाइए बेटा. पास करिए थोड़ा सा कैमरा का. हाँ वेरी गुड गुड अर्श. ओके ओके जन्मजय सामर्थ. वेरी गुड ओके वेरी गुड गुड ओके वेरी गुड रुद्रा. ठीक है सही है. ठीक है आई होप आप सभी का बुक ओपन हो गया है. तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ. फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन ओपन पेज नंबर 35. मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आपको पेज नंबर मेंशन कर दे रही हूँ क्योंकि उसके बाद में जो कोई ऐड हो तो ये ना बताए कौन सा पेज खड़ा है. Now the first exercise of this chapter word building. Okay, what we'll do in this exercise? Take the rhyming words from this box and pair them in the space below. The first one has been done for you. Okay, इस exercise में हमें क्या करना है? Pick करना है rhyming word को. Okay, क्योंकि आपको box में कुछ rhyming word दिए हुए हैं. सबसे पहले तो हम read करते हैं उन words को जो कि आपको इस box में दिया हुआ है. फर्स्ट वर्ड है पाउंड. सभी लोग बुक में देखेंगे और कानों से सुनेंगे क्योंकि समझना जरूरी है. आफ्टर दैट तो आप भी कर लोगे इस एक्सरसाइज को. अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ समझना है एक्सरसाइज को जो मैं आपको बता रही हूँ. फर्स्ट वर्ड आपका दिया है पाउंड. सेकंड कोल्ड. टुक सैंड मम्मी. ओके नेक्स्ट लाइन में आपका दिया हुआ है लुक हैंड साउंड बोल्ड एंड डमी. चिल्ड्रन ये सारे वर्ड का पेयर है. ठीक है इट मीन्स पेयर जो भी है आपके राइमिंग वर्ड में दिए हुए हैं. ठीक है आपको राइमिंग वर्ड पिकआउट करना है और आपको राइट करना है बिलो वर्ड बिलो वर्ड बट रिलेटेड टू राइमिंग वर्ड. देखिए आपको फर्स्ट वर्ड दिया हुआ है साउंड जो कि आपको ऑलरेडी बुक में राइट है. मैं केवल एक्सप्लेन कर रही हूँ. साउंड दिया साउंड का राइमिंग वर्ड आपको बॉक्स में दिया है साउंड. ओके इस तरीके से आपको पढ़ना है. नेक्स्ट वर्ड मैं आपको टॉप की इस लाइन वाली दे रही हूँ. आपको साउंड करके राइट करना है. आफ्टर दैट आई एक्सप्लेन दिस. सेकंड क्या है आपको पहले उसको राइट करना है. आफ्टर दैट आपको खुद से पिकआउट करने हैं वर्ड को कि इस वर्ड का राइमिंग वर्ड कौन सा होगा. ठीक है थोड़ा आपको लिखना है. तो पेन नंबर कौन सा है हुआ है मैं दे दे रही हूँ. आपको दिया नहीं है आपको खुद स्टैंड करना क्या है. ये मैंने आपको वन वन वर्ड आपको दिया है. आपको साउंड कोल्ड राइमिंग वर्ड आपको राइट करना है. जैसे पाउंड का साउंड होगा. आपको जो ऊपर बॉक्स दिया हुआ है कुछ वर्ड दिए हैं आपको इसी से रिलेटेड राइमिंग वर्ड राइट करना है. चलिए यस मैम साउंड करिए और करके दिखाइए. आफ्टर दैट मैं आपको इसके आंसर दूंगी. जल्दी जल्दी स्पीकर को कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा. फटाफट करके दिखाइए क्योंकि मैंने राइमिंग वर्ड ऑलरेडी आपको बता दिया है. तो आप सभी को आता है बोलना किसी को नहीं है. प्लीज राइमिंग वर्ड राइट करके दिखाइए. बट अपने से राइमिंग वर्ड को क्रिएट नहीं करना है.
आपको ऑलरेडी बॉक्स में कुछ वर्ड दिए हैं, आपको उसी से पिक आउट करना है एंड राइट करना है। जल्दी जल्दी बोलना कुछ नहीं है, बोलना कुछ नहीं है, जो भी समझ में आ रहा है आप करिए। आपसे मैं तो आपको आंसर बताऊंगी ही, पहले आप खुद से मेहनत करिए, ढूंढिए कि किसका राइमिंग वर्ड कौन सा होना चाहिए। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दिया है सेम है, आपको राइमिंग वर्ड राइट करना है। बेटा आप एडवांस में वर्क करना नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि एडवांस में वर्क करते हो थोड़ी देर में बोल देते हो हाँ मैम वर्क कम्प्लीट, नहीं बोलना है। ऑनलाइन क्लास में आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है, क्लास से बहुत आपके घर से आवाज आ रही है, कोशिश करना है हाँ थोड़ी देर स्टे करिए। ओके आई होप आप सभी का हो गया है। मैं जो आपको मैं वर्ड दे चुकी हूँ जैसे साउंड होल्ड ओके, इनके राइमिंग वर्ड हम इस बॉक्स से ही फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर आपको कोल्ड का राइमिंग वर्ड बोल्ड दिया है, तो साउंड साउंड देखिए सेम प्रोनंसिएशन हो रहा है, इसी को राइमिंग वर्ड बोलते हैं कोल्ड बोल्ड ओके कोल्ड बोल्ड। सेम है नेक्स्ट दिया है टुक, टुक आपको यहाँ बॉक्स में दिया है लुक, तो वी विल राइट लुक। देखेंगे फिर से नेक्स्ट आते हैं मम्मी किसने स्पीकर को अनम्यूट किया है, कुछ बच्चे लास्ट में क्लास क्यों क्लास टाइमिंग आपको नहीं क्लियर है क्या? आ गई क्या बोलना नहीं है। मनु रतन आपके घर से बहुत आवाज आ रही है बेटा, पेरेंट्स बिल्कुल भी कॉपी तैयार नहीं है। कोल्ड लुक लुक बात कर टाइमिंग ओके हैंड का हो जाएगा हैंड, जो कि आपको ऑलरेडी बॉक्स में दिया है। ओके आई होप आप सभी ने भी यही आंसर किया होगा। प्लीज स्पीकर को कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा क्योंकि आप चलो ओके आई होप आपको इसके आंसर बुक में आपने राइट कर लिया होगा, जो कि आपका पेज नंबर 34-5 मैनुअल बुक में दिया हुआ है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज ऑफ दिस पेज नंबर 35। व्हाट विल डू इन दिस एक्सरसाइज, कर लीजिए जो बच्चे कर रहे हैं, मैं अभी तुरंत रेज नहीं करूंगी, कर लीजिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 35। नाउ अभी 35 की एक एक्सरसाइज और रह गई है, उसको की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल डू इन दिस एक्सरसाइज, fill in the blanks with the opposite word choose from the box below first, okay? इस exercise में भी आपको यही करना है। यहाँ पर एक box दिया हुआ है जिसमें कुछ word write हैं। Word कौन से हैं? वो पहले देखते हैं, उसको read करते हैं। Hot, false, short, straight, drop, soft, went, small, gave, outside, bitter and lost, okay? Children, सबसे पहले तो हम इस वर्ड को जितने भी बॉक्स पे दिया है उसको हम समझेंगे। प्रेवर पढ़ने पे ध्यान करिए, गेम नहीं खेलना है। हॉट का मीन्स क्या होता है? गरम, है ना? फॉल्स मीन्स गलत रॉन्ग, शॉर्ट जो हाइट में छोटा होता है, स्ट्रेट बिल्कुल स्ट्रेट ओके सीधा, ड्रॉप ड्रॉप मीन्स क्या होता है? छोड़ देना या गिर जाना। सॉफ्ट सॉफ्ट मीन्स क्या होता है? मुलायम चबीदार ओके। वेंट वेंट मीन्स गया, दिस इज द पास्ट फॉर्म ऑफ गो ओके। स्मॉल स्मॉल मीन्स छोटा, गेव नाउ अगेन गेव भी सेकंड फॉर्म है किसका? गेव का मीन्स दिया। आउटसाइड आउटसाइड इट मीन्स बाहर। बिटर बिटर इट मीन्स कड़वा ओके। एंड लास्ट वर्ड लॉस्ट, लॉस्ट मीन्स चिल्ड्रन होता है खोना, जब हम कोई चीज कहते हैं
आई लॉस्ट दिस चॉक पेन अदरवाइज क्लियर. अब हम देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स दिए हुए हैं जिसके अपोजिट हमें इस बॉक्स से पिक आउट करना है. द फर्स्ट वर्ड फाउंड. फाउंड इज ऑल्सो सेकंड फॉर्म ऑफ फाइंड. इट मीन्स पाना. ओके नेक्स्ट हार्ड. हार्ड मीन्स होता है सख्त. ओके इनसाइड. इनसाइड जब कोई चीज अंदर होती है इनसाइड तो उसमें लेना. टुक इज द सेकंड फॉर्म ऑफ टेक. ओके टुक भी सेकंड फॉर्म है किसका टेक का. ठीक है बिग. बिग मीन्स बहुत बड़ा. ओके केम. केम इट मीन्स आया. इट्स ऑल्सो सेकंड फॉर्म ऑफ कम. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज पेज नंबर 35. यहाँ पर कुछ और वर्ड्स दिए हैं उसको भी मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी. पिक. पिक मीन्स उठाना. ट्रू. ट्रू मीन्स सही. कर्ली यानी कि घुमावदार. ओके कोल्ड. कोल्ड मीन्स ठंडा. स्वीट. स्वीट मीन्स मीठा. एंड टॉल मीन्स लंबा. ओके मैंने कुछ आपको वर्ड अपोजिट आपको घर से भी लर्न करने के लिए दिए थे. आई होप आप सबने लर्न कर लिए होंगे. तो आपको इस बॉक्स से पिक आउट नहीं करना है. ठीक है ध्यान से सुन लीजिए. आपको इस वर्ड के अपोजिट तो करना है बट आपको बॉक्स से पिक आउट नहीं करना है. सुन लो पहले हमारी इंस्ट्रक्शन उसके बाद बोलना अगर कंफ्यूजन होगा तो. ठीक है आपको क्या करना है इस वर्ड को रीड करना है. आपको मैं मीन्स बता चुकी हूँ केवल एक्सरसाइज से रिलेटेड बट आप सभी को इस वर्ड का मीन्स ऑलरेडी पता है. आई नो क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में इस वर्ड और अपोजिट दोनों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. आपको क्या करना है फुल ऑनेस्टी क्योंकि आप सभी के घर पे मैम नहीं है. आपको फुल ऑनेस्टी खुद से जज करना है और इस वर्ड के अपोजिट खुद से लिखने हैं. नाउ टाइम स्टार्ट. नाउ आप खुद से करना स्टार्ट करिए. इन वर्ड के अपोजिट को कोई भी चीटिंग नहीं करेगा. आफ्टर दैट आई एक्सप्लेन. नहीं सॉरी आई गिव द आंसर. ओके चलिए फटाफट करना स्टार्ट करिए. इन वर्ड्स के आपको अपोजिट करना है. पेज नंबर 35. पेज नंबर 35 से शुरू करेंगे और 36 की तरफ चलेंगे. जल्दी जल्दी करिए. जो भी एडवांस करके बैठे हैं उनका मुझे नहीं देखना है. जो कर रहे हैं आई एम डन. केयरफुली करते चलिए. जल्दी जल्दी करिए प्रेवर. अब बोलोगे हो चुका तो हो चुका तो एडवांस काम ना करिए. जल्दी जल्दी करिए. ईमानदारी रखनी है सभी को और कोई भी चीटिंग नहीं करेगा. फटाफट करिए. इसको मैं इरेज कर रही हूँ. जो सामने मैंने आपको राइमिंग वर्ड दिया है इसको मैं इरेज कर रही हूँ. I completed, ma'am. मुझे पता है कुछ तो कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि वो एडवांस में करके रखे हैं इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है. लिमिट टाइम पे मैं खुद ही कह दूंगी कि मुझे आंसर बताने हैं. फटाफट जो कर रहे हैं वो करिए. बातें नहीं होनी चाहिए. जल्दी से करिए. नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ सकूं. मैम आई एम कंप्लीटेड. करिए आराम आराम से करिए. कोशिश करिए. कोशिश करेंगे स्पेलिंग नहीं. क्यों लक्ष्य आप कर नहीं रहे हो बेटा. फर्स्ट वाले का तो आपको आंसर दिया है ना. फाउंड सेकंड फॉर्म ऑफ फाउंड में होता है पाना. ऑलरेडी लॉस्ट भी सेकंड फॉर्म है बट लॉस्ट का लॉस्ट ही होता है
लॉस मीन्स होता है खोना, जिस तरीके फाउंड मीन्स होता है पाना, लॉस का मीन्स होता है खोना। जल्दी जल्दी करिए। मैम कैम वीडियो किस देंगे, इसमें क्लोज, जिस जिसने वीडियो क्लोज करके रखा है वो प्लीज ओपन कर लीजिए, क्योंकि मुझे देखना है कितने बच्चे कर रहे हैं और कितना पहले से करके बैठे हैं। वीडियो क्लोज नहीं करा करिए, स्पेशली जब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। मैम आई एम कंप्लीटेड। क्या हुआ, लग चाह नहीं रहा बेटा, वेद हो गया? नहीं कर रहे हो, करो जल्दी जल्दी करो। नैन्सी हुआ बेटा? यस मैम। करो करो जल्दी जल्दी करो, आ रहा है ना सभी को? यस मैम। ओके यस मैम। ओके ओके करिए करिए करिए, आफ्टर फ्यू मिनट्स मैं आगे बढ़ती हूँ। हो गया, अच्छी बात है, बढ़ते जाइए, जैसे मुझे लगेगा सभी का हो गया है हम आगे बढ़ेंगे। मैम कंप्लीटेड। ओके ओके मैम कंप्लीटेड। मैम कंप्लीटेड। बोलना नहीं है किसी को, कुछ भी नहीं बोलना है। आई होप आप सभी का हो गया है। हम चलते हैं आंसर की तरफ, कोशिश करेंगे सिर्फ सभी लोग बोलेंगे कोई भी नहीं, और स्पीकर को अनम्यूट नहीं करेंगे। मैं इसके आंसर दे रही हूँ, आपको मैच करना है, और जिनका अगर रॉन्ग होगा तो उसको करेक्ट कर लेना है, ठीक है? द फर्स्ट वर्ड फाउंड, फाउंड का ऑलरेडी आपका पूरे दिया हुआ है, फाउंड का होता है लॉस, फाउंड मीन्स पाना और लॉस मीन्स खोना। नेक्स्ट वर्ड दिया है आपका हार्ड, हार्ड मीन्स होता है सर, इसका होता है पूरे फॉर। ओके इनसाइड मीन्स अंदर की तरफ, तो इसका अपोजिट हो जाएगा आउटसाइड, इट मीन्स बाहर की तरफ। ओके नाउ नेक्स्ट वर्ड की तरफ आएंगे, पेज नंबर 35 में ही। टुक, टुक मीन्स होता है लिया, दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ टेक, टेक मीन्स लेना होता है, इसका अपोजिट होगा गिव, गिव मीन्स दिया, इट्स ऑल्सो सेकंड फॉर्म ऑफ गिव, गिव मीन्स देना होता है, टुक का गिव। बिग, बिग मीन्स बड़ा, बिग का अपोजिट होता है स्मॉल। एंड नेक्स्ट वर्ड केम, केम मीन्स होता है आया, इट्स ऑल्सो सेकंड फॉर्म ऑफ कम, केम आना, गो मीन्स जाना, बट गो का यहाँ पर कम का सेकंड फॉर्म लिया हुआ है, तो सेम एज हम गो का भी सेकंड फॉर्म ही यूज करेंगे, बेंट यूज करेंगे। ओके कहने का मतलब केम का अपोजिट क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा। आई होप आपने भी यही किया होगा, और अगर किसी का गलत है तो वो सही कर लेंगे, ठीक है? कम टू द नेक्स्ट पेज, आपका कंटिन्यू करेंगे, आपको अपोजिट ही करना है, बट आपका पेज नंबर 35 पढ़ेंगे, 36 पढ़ेगा। कौन स्पीकर को अनम्यूट कर रहा है? ना पढ़ना हो तो बताइए, रिमूव कर लीजिए अपने से इस क्लास, और बच्चों को लॉस नहीं करिए। अब आ गए हम पेज नंबर 36 में, आई होप आपको मैच हो गया होगा, आपके ये सारे वर्ड्स के अपोजिट करेक्ट हो गए। अब चलते हैं, यस मैम हो गया, 36 की तरह। बोलना नहीं होता है बेटा, सर मैच करते हुए चलिए, फिर मैं जब पूछूंगी तब आपको रिप्लाई करना है। पेज नंबर 36 ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है, यहाँ पर आपके कुछ वर्ड दिए हुए हैं। फर्स्ट वर्ड है आपका पिक, सेकंड है ट्रू, एंड थर्ड दिया हुआ है कोल्डली, एंड कोल्ड, स्वीट, टॉल। ओके मैं आपको इसके आंसर दे रही हूँ, इस वर्ड के अपोजिट दे रही हूँ आपको, फिर से वैसे ही मैच करना है। पिक, पिक मीन्स खाना, और ड्रॉप मीन्स होता है कोई चीज ड्रॉप हो जाती है, गिर जाती है, तो पिक का अपोजिट क्या हो जाएगा, ड्रॉप। ट्रू, ट्रू मीन्स सही होता है,
जो आप मोस्ट ऑफ यूज करते हो आज फॉल्स, ट्रू का अपोजिट हो जाएगा फॉल्स. दिया हुआ है ये पोम है, पहले सुनते हैं, एंजॉय करते हैं इस पोम को. आफ्टर दिस इस पोम से रिलेटेड कुछ आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उसको आपको कंप्लीट करना है. चलिए फिर देखते हैं पोम की तरफ. द सी इज बिग, पोम टॉपिक का नेम है, पोम का टॉपिक का नेम है आपका द सी इज बिग. जो सी है वो कैसी होती है, बड़ी होती है. ओके नाउ सिंग द पोम. The sea is big. It is very, very big. You can't see the other side of the sea. You can cross the sea in a ship, but you must go for many, many days. Okay? आपको poem क्या दी हुई है? अब हम इस poem को explain कर रहे हैं. बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा. The sea is big. जो seas होती हैं, वो कैसी होती है? बड़ी होती है. It is very, very big. ये बहुत बड़ी होती है. You cannot see the other side of the sea. तुम बिल्कुल सी के दूसरे साइड नहीं देख सकते हो. You can cross the sea in a ship, but जो सी है उसे आप कैसे क्रॉस कर सकते हो, सिप की हेल्प में. सिप की हेल्प से हम वन साइड से अदर साइड क्रॉस कर सकते हैं. But you must go for many, many days. लेकिन तुम्हें ये क्रॉस करने में क्या होगा, बहुत दिन लगेंगे. ओके क्यों, क्योंकि चीज जो होती है वो बहुत बड़ी होती है. ओके क्लियर, समझ में आ गया सभी को पोम. ओके नाउ इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे, जो कि आपका ऑलरेडी पेज नंबर 36 में दिया हुआ है. आपका व्हाट विल डू इन दिस एक्सरसाइज, चूज द राइट वर्ड. ओके कहने का मीन्स है आपको चूज द राइट वर्ड, इट मीन्स ऐसा हम किस में करते हैं, फिलिंग द ब्लैंक है. प्लीज जिनके भी घर से आवाज आ रही है वो प्लीज पेरेंट्स कॉपरेट करिए, उनके घर से आवाज ना आए. और स्पीकर तो बिल्कुल भी म्यूट मत करिए. आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, पहले समझ लेंगे अच्छे से फिर करेंगे. चूज द राइट वर्ड. राइट वर्ड यानी कि करेक्ट वर्ड. वर्ड फर्स्ट प्लीज जो भी स्पीकर को अनम्यूट किया है वो म्यूट में रखें. वेरी वेरी ब्लैंक. ओके यहाँ आपको ऑप्शन दिया है, जो कि ऑप्शन आप
आपको बता देंगे वर्बली, राइट नहीं कर रहे हैं हम. यू कैन नॉट ब्लैंक द अदर साइड. ओके नाउ थर्ड आपका दिया है यू ब्लैंक क्रॉस द सी. And last sentence, you can, I see the board, you can cross it in a blank. Okay, now I explain all the sentences. Four sentences are put here, the sea is very, very much. जो चीज होती है वो बहुत बहुत क्या होती है. यू कैन नॉट, तुम क्या नहीं कर सकते हो. द अदर साइड, दूसरे साइड से रिलेटेड. यू ब्लैंक क्रॉस द सी. ओके, क्या तुम जो है वो सी को क्रॉस. व्हाट यू कैन क्रॉस इट इन अ, आप इसको कैसे क्रॉस कर सकते हो. नाउ फोर्थ आपको दिया है, फोन क्या था हमारा. द सी इज वेरी बिग, इट इज वेरी वेरी बिग. यू कांट सी, यू कैन नॉट सी द अदर साइड ऑफ द सी. You can cross the sea in a day, but you must go for many, many days. Okay? The first sentence is the sea is very, very what? Man, दूसरे नंबर का man big होगा. Man big. And the other है, children. यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं, big और fast. Okay? मैं अरे यार, please बीच में मत बोलो बेटा. यहाँ पर आपको टू वर्ड्स दिए हुए हैं, बिग और फार. आपको उन्हीं दोनों में से किसी एक वर्ड को चूज करना है जो कि फोन से रिलेटेड है. आपको उसको राइट करना है. बिग और फार, बिग मीन्स होता है बहुत बड़ी और फार मीन्स होता है क्या, दूर. ओके, तो चीज कैसी है, तो वी विल राइट बिग. ओके, वेरी वेरी बिग. नाउ सेंटेंस यू कैन नॉट. ओके, यहाँ पर आपको टू वर्ड दिए हुए हैं, हियर एंड सी. ओके, द अदर साइड, जो दूसरी साइड है आप उसको क्या नहीं कर सकते. हियर मीन्स होता है सुनना और सी मीन्स देखना, क्योंकि सी बहुत बड़ी होती है तो हम उसको जो अदर साइड होता है उसको हम देख नहीं सकते हैं. चिल्ड्रन आप लोग रिक्वेस्ट के बाद कभी भी नहीं करते हो, हम उसको देख नहीं सकते. So we will write C. Okay, you cannot see the other side. Now next sentence, you blank cross the road. यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिया है, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिया है, can not. Can का मीन्स होता है जब हम कोई पॉसिबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है कि हम वो काम कर सकते हैं. ओके, तो कैन का यूज होता है. ठीक है, तो यहाँ पर एबिलिटी पॉजिटिव वे में भी है और निगेटिव में भी है. कैन मिल सकना और कैन नॉट मिल नहीं कर सकते हैं. सो सी को हम क्रॉस तो कर सकते हैं, बहुत दिल लगते हैं. सो वी विल राइट कैन, दैट इज यू कैन क्रॉस द सी. नाउ यू कैन क्रॉस इट इन अ. ओके, यहाँ पर टू से या फिर को हम कैसे करते हैं क्रॉस. बस से तो नहीं कर सकते क्योंकि बस हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट है. ऐसे वॉटर के लिए हम वॉटर ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं. तो वी विल राइट मैम शिप. ओके, नाउ सेंटेंस यू कैन क्रॉस इट इन अ शिप. हम इसको एक शिप से क्रॉस कर सकते हैं. ओके, नाउ चिल्ड्रन आप इसको कंप्लीट करेंगे. नाउ आपका नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन दिया है पेज नंबर 37. मैम आई एम कंप्लीटेड. क्या आपका आज का होमवर्क है, सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे. टू द एक्सरसाइज पेज नंबर 37. आपको पेज नंबर 37 में जो एक्सरसाइज दी है इसको आपको करना है. व्हाट विल डू इन दिस एक्सरसाइज, नाउ आई एक्सप्लेन दिस. आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको इसमें क्या करना है.
फिर अगर बीच में बोलोगे तो बेटा आप लोग बोल लो, मैं यहाँ से चली जा रही हूँ, क्योंकि समझना तो है नहीं आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर रीड द फॉलोइंग, आपको फिर से एक पोम दी हुई है, पोम का टॉपिक है साइलेंस, साइलेंस इसमें ओके, बर्ड सिंग, फोन रिंग, पीपल टॉक, डॉग्स बार्क, काउज मू, कॉक क्रो, बीज, बर्ड, चिल्ड्रन हुट। ओके, यहाँ पर इसमें साउंड दिया हुआ है सभी का, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को साउंड बताए हुए हैं और आप सभी को आता भी है। ठीक है, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हैं और प्रेज दिया है। ठीक है, प्रेज इट मीन शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस, अ बर्ड सिंगिंग, अ काउ मूइंग, अ फोन रिंगिंग, डॉग बार्किंग एंड कॉक क्रोइंग। आपको मैचिंग करना है। ठीक है, ये आपका आज का होमवर्क है, अभी किसी को नहीं करना है मनोरतन, इसीलिए आप क्लास डिस्टर्ब करते हो जो आप पहले से कर लेते हो। ठीक है, करना किसी को नहीं है, बाद में फॉर्म को आपको अच्छे से रीड करना है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आपको इसको घर पे करना है। ठीक है, बाकी की जो एक्सरसाइज अगर रह गई होगी तो मैं आपको वीडियो सेंड कर रही हूँ, जिससे आप उसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो फिर आज की क्लास इतने में कंप्लीट की जाए। Okay, bye-bye.